गलामा र मेलोडी फेस्टिभलमा चाहिँ म लगायत हाम्रो टिम म्युजिकल टिम छ त्यसले चाहिँ म्युजिक सेक्सनलाई हेरिरहेको छ मेन बाहिरबाट ब्यान्ड्सहरूलाई ल्याउने कामहरू त्यहाँदेखि उनीहरूको अकोमोडेसन सबै म्यानेजमेन्ट हामीले हेरिरहेको छौँ र मेलोडी फेस्टिभलको म्युजिक सेक्सनको बारेमा बोल्न चाहन्छु किनभने हामी म्युजिसियन्स हौ र अब हामी सानोदेखि नै वेन वी स्टार्टेड मन्त्र हाम्रो ब्यान्ड स्टार्ट गरेदेखि नै हामी ठुल्ठुलो फेस्टिभल्सहरू रिप्रेजेन्ट गर्दै आएको दार्जिलिङलाई रिप्रेजेन्ट गर्दै फर्केर आएको जस्तै ग्रेट इन्डियन रक त्यहाँदेखि हर्नबिल फेस्टिभल त्यहाँदेखि नेपालतिर कतिवटा ठुल्ठुलो फेस्टिभल्सहरू हेरेर आएको अनि हामी जब हामी ब्यान्ड स्टार्ट गर्दै गर्दाखेरि पनि हामी पनि त्यो ब्याक इन द डेज दार्जिलिङ कार्निभल भन्ने हुन्थ्यो सो दार्जिलिङ कार्निभलको टाइमको हो होइन सो त्यसरी नै त्यो कार्निभलको टाइममा हामीले त्यो प्लेटफर्म नपाएको भए सायद मन्त्र यो ठाउँमा हुने पनि थिएन होला सँगसँगै रिइन्कार्नेसन अनि अदर ब्यान्ड्स लाइक चक्र है त्यो एउटा ठुलो प्लेटफर्म थियो र हामी आजको दिनमा यो ठाउँमा छौँ र त्यो चान्स फेरि फर्केर आएको छ लास्ट इयरदेखि मेलोडी फेस्टिभलको सेकेन्ड एडिसन त्यसरी नै हाम्रो ब्यान्ड्सहरूले कम्पिटिसनमा भाग लिएर उनीहरूले एउटा ठुलो प्लेटफर्म पाउँदैछ सानसाना भाइहरूले ड्रग्सपट्टि नगएर नराम्रो बाटोपट्टि नगएर कर लागेर भए पनि ए मेलोडी फेस्टिभलमा पार्टिसिपेट गर्नुपर्छ कन्टेस्ट खेल्नुपर्छ भनेर पनि उनीहरूले गिटारहरू किनिमागेर जस घर घरमा प्र्याक्टिस गरेर हामीले एभ्री डे जस्तै नोमिनेसन दिनमा झन्डै 5-10 नोमिनेसन्स पाउँदैछौँ इन एन्ड अराउन्ड दार्जिलिङ इन्क्लुडिङ सिक्किम नेबरिङ कन्ट्रिज लाइक भुटान नेपाल है अनि यो चाहिँ मलाई चाहिँ अब एकदमै एउटा ठुलो एउटा अपर्च्युनिटी अनि हाम्रो जति पनि यङ्स्टर्सहरूको लागि एउटा ठुलो प्लेटफर्म जस्तो लाग्छ यो चाहिँ म तपाईँहरूको माध्यमबाट दार्जिलिङ पुलिसलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यो चान फेरि फर्केर आएको छ भन्दै म यति नै टुङ्गाउन चाहन्छु म अनुप थामी दि आफ्टर म्याथ ब्यान्डबाट है म मेरो ब्यान्ड हालैमा यहाँ हामी हर्नबिल रक कन्टेस्ट योपालिको हर्नबिल रक कन्टेस्ट हामीले पार्टिसिपेट गरेको थियो लास्ट विक र हालैमा दार्जिलिङ आएका छौँ है र अब यो आउने डिसेम्बरमा यो मेलो टी फेस्टिभल जुन चाहिँ हुँदैछ है यसमा अब रक कन्टेस्ट जुन चाहिँ हुँदैछ आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट माई फ्रेन्ड्स फ्रम नेपाल फ्रेन्ड्स फ्रम कोलकाता एन्ड अलङ विथ फ्रेन्ड्स फ्रम दिल्ली एन्ड बेङ्गलोर टु पार्टिसिपेट दिस रक म्युजिक कन्टेस्ट एन्ड र साथसाथमा अब यो मेलो टी फेस्टले चाहिँ हामीले हर्नबिल जाँदा के एक्सपिरियन्स गऱ्यौँ भन्दा हामीलाई त्यहाँ जाँदाखेरि पुरा ब्यान्ड इन्टरनेसनल नेसनल लेभलको कम्पिटिसन भएकोले गर्दा अल ओभर इन्डियाबाट ब्यान्ड्सहरू आएको थियो र हामीलाई पनि त्यहाँ होटलहरूको एकदमै बुकिङ साह्रो परेको थियो है र के भयो भन्दाखेरि हामीले त्यहाँनिरको आउटस्कर्ट्सहरूमा होमस्टेजहरू त्यहाँ बुक गऱ्यो र मलाई लाग्छ यो फेस्टिभलले होइन म्युजिसियन्सहरूलाई त एउटा उयो प्लस पोइन्ट दिन्छ एट द सेम टाइम बिजनेसको लागि पनि सानसानो स्मल बिजनेसहरू जुन चाहिँ हुन्छ होमस्टेहरू अब दार्जिलिङको कुना काप छ कहाँ चाहिँ छैन अहिले त सबैतिर छ है उहाँहरूलाई पनि फ्लरिस हुन्छ जस्तो लाग्छ है हुन्छै हुन्छ र सबैले दार्जिलिङको सबैजनाले यो इभेन्टलाई सपोर्ट गरिदिनुहोस् है अन्त एट द सेम टाइम सबै ब्यान्डहरू दार्जिलिङकै अब धेरैवटा ब्यान्ड छ र हामी यस्तो सानसानो ब्यान्डहरू होइन जसले चाहिँ अब अपर्च्युनिटी नपाएर दार्जिलिङमा अपर्च्युनिटी नपाएर जस्तै आइआइटी खडगपुर हर्नबिल कहाँ कहाँतिर टाढो टाढो गएर फेस्टहरू खेल्न जानुभएको थियो कन्टेस्टहरू योपालि चाहिँ यहाँ दार्जिलिङमै यो सेकेन्ड एडिसन हुँदैछ र यो चाहिँ एकदमै ग्रान्ड हुनेवाला छ तपाईँहरूले पनि पार्टिसिपेट गरिदिनुहुन्छ भनी आशा राख्दछु थ्याङ्क यू Melody Fest, this is the second edition of the Melody Fest in Darjeeling and I think this is a great platform for the people of Darjeeling. It's organized, it's you know, a combination of efforts from the people of Darjeeling, for the people of Darjeeling and organized and helped by the Darjeeling Police and GTA. And this is the second edition and I think more importantly this should be a set like a vision. For the people of Darjeeling, for all the adventure, not only adventure tourism, but for the tourism stakeholders, from hoteliers, from the drivers, taxi drivers, hoteliers, and anyone else who is involved in the tourism. Melody Festival is going to promote all sorts of sporting adventure sports activities, bird watching, hiking activities, a lot of village tourism. So I think
this, you know, like I said earlier, that Darjeeling, people come to Darjeeling, they see the 7 points for 2 days and then they leave. But when you see them next time, they say, you want to go to Darjeeling? They say, no, I've already seen Darjeeling, I don't need to go there. The important thing for us is to bring tourism back, bring the people back and back as much as possible. And the Melody Fest has so many activities planned. There are almost like 13 new hikes, 13 new day hikes that have been formed today. And you know, having people visit these different hikes, people are already health conscious nowadays. And so I think people should take this as a step to, you know, enhance and promote tourism in Darjeeling, not only for the manifest, but it will continue. We have bird watching activities that can be done in the monsoons, hiking can be done in the monsoons, there's a lot of other activities. So the important thing is to try to bring the tourists and you know, the people visiting Darjeeling back and back as much as possible. And besides not only the music festival, Darjeeling is known, the people of Darjeeling are very well known for the music, the food, you know, people that have not tasted the actual authentic food of the people of Darjeeling, all the different ethnic groups of Darjeeling. So this is the type of festival that will promote, help promote and bring awareness to the people around the world about the people of Darjeeling. So I hope we are able to promote this as much as possible, and this will hopefully be a standard, you know, event each and every year, just like the Hornbill Festival that was started almost about 24 plus years ago. Thank you. To host the second edition of Melody Fest from 18th to 22nd of December this year. इसको लेकर के हम लोगों ने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रखा है, थोड़ा डिटेल में इवेंट्स बताया था हम लोगों ने, इसमें और भी कुछ एडिशंस में इवेंट के. सो आई वांटेड टू टेल ऑल दिस डिटेल्स टू यू पीपल, ताकि ये इवेंट जो है Darjeeling पुलिस के द्वारा किया जा रहा है फॉर द पीपल ऑफ Darjeeling एंड डन बाई द पीपल ऑफ Darjeeling ओनली, बिकॉज हम लोग कम्युनिटी के साथ जुड़ना चाहते हैं. एंड यहाँ पे हम लोगों ने इस मेलोडी फेस्ट कमेटी में जो खूब कॉमन लोग हैं, लोकल लोग Darjeeling के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैं, उनको हम लोगों ने साथ लिया हुआ है और उनका सजेशंस जो आता है उनके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे उनका इवेंट करते हैं. हम लोग Darjeeling मेलोडी फेस्ट करने का मेन पर्पज पहले मैं बोलना चाहता हूँ आप लोगों को. Darjeeling में मेन बिजनेस सबको पता है टूरिज्म है, एंड टूरिज्म के साथ एसोसिएटेड बिजनेस जो होते हैं वो होटल्स, टैक्सी सिंडिकेट्स, होम स्टेज, इस टाइप की चीज़ें होती हैं और बाकी कुछ एक्टिविटीज़ जो होते हैं यहाँ पे वो होती हैं. तो मेरा ये मानना था कि Darjeeling में टूरिज़्म मेनली अभी टाउन सेंट्रिक रहा है और कुछ दिनों से जैसे होम स्टे आया थोड़ा सा लोग आउटस्कर्ट पे जाकर के स्टे कर रहे हैं, बट मेरा ये मानना था कि Darjeeling में जो यूथ हैं वो अट्रैक्ट हो रहे हैं गलत चीज़ों की तरफ, ड्रग्स वगैरह काफ़ी यूज़ है. आफ्टर कमिंग टू दिस प्लेस आई गॉट टू नो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे हैं. तो मुझे दिखा ऐसा कि इफ़ आई इन्वॉल्व पीपल इन टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यहाँ के यूथ को इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व करता हूँ मैं और लोग एम्पावर करता हूँ इकोनॉमिकली, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट से सब तरह का एम्पावरमेंट आता है, सोशल इम्प्रूवमेंट होता है एंड उनका फैमिली का इम्प्रूवमेंट होता है. सो आई थॉट वाई शुड नॉट वी स्टार्ट दिस मेलोडी फेस्ट विद दिस इंटेंशन. अगेन द इंस्पिरेशन केम फ्रॉम द फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑफ नागालैंड. यू माइट ऑल बी अवेयर अबाउट नागालैंड हॉर्नबिल फेस्टिवल. इट वॉज स्टार्टेड सम 25 ईयर्स अगो एंड नागालैंड इंसर्जेंट प्रोन एरिया था, सबको पता है. नाउ यू सी एवरी ईयर flocks of lakhs of tourists from international side also go to Nagaland. वहाँ पे hotels, homestays की booking के लिए जगह नहीं होता लोगों के पास. The people are getting a lot of business over there. If the people are from all over India, all over world are coming over there. Similarly, the situation with the Zero Festival that happens in Arunachal Pradesh. Similar situation with Orange Festival that happens in Meghalaya. Cherry Blossom Festival again Meghalaya. North East में इतनी सारी festivals होते हैं. तो मैंने सोचा कि ये चीज़ें अगर हमारे यहाँ हो, हमारे यहाँ टूरिस्ट अट्रैक्ट हों और लंबे टाइम पर अट्रैक्ट हो, ना ये ना कि बस दो दिन के लिए, तो इससे क्या होगा, हमारे लोगों का एम्पावरमेंट होगा एंड एम्पावरमेंट होने से उनका जो बाकी गलत चीज़ों की तरफ डायरेक्शन चला जाता है उनका वो बंद होगा. दैट वाज द मेन पर्पज दैट वी स्टार्टेड. तो इन सब चीज़ों के लिए, लोगों के एंगेजमेंट के लिए, हर फील्ड के लोगों के लिए इंटरेस्ट जो है, हम लोगों ने बहुत सारे इवेंट प्लान कर रखा है. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं पहले बोलूंगा आप लोगों को, म्यूजिक फेस्टिवल. दिस इज़ नॉट जस्ट अ नाच गान का फेस्टिवल, दिस इज़ अ म्यूजिक फेस्टिवल जहाँ पे हम Darjeeling जो म्यूजिक के लिए 80s में जाना जाता था एंड विच मेघालय इज नोन फॉर नाउ, वी वांट टू अगेन रीगेन दैट क्राउन दैट Darjeeling हैड इन 1980s 90s. म्यूजिक के थ्रू हम लोग यहाँ पे, हर बच्चा हर सोसाइटी में हर घर में कोई ना कोई गिटारिस्ट, कोई ड्रमर, कोई वोकलिस्ट है यहाँ पे एंड बाकी कुछ और भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं.
हम लोग उन बच्चों को प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, अभी कुछ लोगों से इंटरेक्ट करा थे म्यूजिक कम्युनिटी के, उन लोगों को ये बोलते हैं कि दादी में कोई एक फेस्टिवल होता नहीं था, उनको हर जगह ग्रेट इंडियन रॉक फेस्टिवल, जीरो फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल, आईटी खर्क, ऐसी जगह पर जाना पड़ता है। दैट इज़ वी आर प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म ओवर हेयर फॉर द म्यूजिक कम्युनिटी ऑफ दार्जिलिंग टू यहाँ आकर परफॉर्म करें। वी हैव प्राइज मनी ऑफ 25 लाख, ऑलमोस्ट 21 लाख दिस ईयर, तो 12 लाख नेपाली रॉक का, 12 लाख वेस्टर्न रॉक का, एंड वी हैव सॉन्ग एंड सिंग राइटिंग कॉम्पिटिशन मिला के 25 लाख हमारे पास है। वी माइट इंक्रीज दिस प्राइज मनी टू फर्दर लेवल सो दैट यहाँ के बच्चे जो है उनको मौका मिले, प्लेटफॉर्म एक नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म मिले अपने टैलेंट को शोकेस करने का। इन पैसों से डेफिनेटली वो अपना एल्बम रिकॉर्ड कर सकते हैं या कुछ ऐसी प्रोडक्टिव चीज़ें कर सकते हैं। तो म्यूजिक इवेंट में हम लोगों ने 25 लाख का प्राइज रखा, इज वन ऑफ द हाइएस्ट इन इंडिया, एंड वी वॉन्ट टू प्रमोट म्यूजिक कल्चर इन दार्जिलिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड लाइक टू टेल दैट मंत्रा एक बैंड यहाँ का है, वाई कैन नॉट हैव सेकेंड मंत्रा इन दार्जिलिंग, एक ही मंत्रा वहाँ सुनते आए हैं। देन मंत्रा हैज टोल्ड मी दैट सर वी ऑल्सो वॉन्ट प्रमोट अ न्यू मंत्रा फॉर अस, मंत्रा ने रिसेंटली US का टूर किया था, वाई कैन नॉट वी हैव अदर बैंड फ्रॉम दार्जिलिंग यहाँ के बच्चों का जो बाहर जाके टूर करें, हमारा दार्जिलिंग का नाम रोशन करें। दैट इज़ वाई आई थॉट टू गिव दिस प्लेटफॉर्म फॉर द पीपल ऑफ दार्जिलिंग, ताकि वो अपना म्यूजिकल टैलेंट शोकेस कर पाएँ और नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे लोगों से कम्पीट करने का क्षमता रख सकें। और इसके लिए हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं उनको मदद देने का, और हम लोग म्यूजिक सब कमेटी बनी है मेलोडी फेस्ट कमेटी में, हेल्पिंग अस एंड वी आर टेकिंग सजेशंस फ्रॉम देम, एंड टिल नाउ यू विल नॉट बिलीव वी ऑलरेडी हैव मोर देन 100 नॉमिनेशंस इन दिस रॉक कॉन्टेस्ट। हॉर्नबिल फेस्टिवल में इस साल अराउंड 200 नॉमिनेशन था, दार्जिलिंग मेलोडी में अभी से ही 100 आ चुका है, आई एम होपफुल दैट इट विल सरपास द हॉर्नबिल लेवल का रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट, म्यूजिक के अलावा हम लोग दार्जिलिंग में जो जानी जाती है दार्जिलिंग का नेचुरल ब्यूटी, दार्जिलिंग में हम लोगों ने एक नया सर्किट ट्राई किया है, दैट इज कॉल्ड एडवेंचर सर्किट, जिसमें दार्जिलिंग में हाइकिंग, पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोग दार्जिलिंग में ट्रैफिक कंडीशन भी होता है, सबको पता है यहाँ पे, सो वी वॉन्ट टू एटलीस्ट वील ऑफ पीपल फ्रॉम समटाइम्स रेगुलर ट्रैफिक गाड़ी के यूसेज से, हल्का पैर पे चलेंगे तो दार्जिलिंग में ट्रैफिक के समस्या का थोड़ा सहयोग तो मिल सकता है। वी हैव आइडेंटिफाइड 13 वॉक ट्रेल्स थ्रू अ नेटवर्क ऑफ यूथ फॉर टूरिज्म गाइड्स, ये सारे बच्चे फिर से डिफरेंट एरियाज में दार्जिलिंग के गाइड्स की तरह एक्ट करते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट टी गार्डन्स में, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में रहते हैं, उनको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस टूरिज्म फेस्टिवल के थ्रू। वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द इको सिस्टम ऑफ ऑल दीज एडवेंचर एक्टिविटीज दैट गोज अराउंड इन द एरिया, एंड दे विल ट्राई टू प्रमोट एवरीथिंग। दिस इज टोटली, वी आर नॉट गोइंग टू चार्ज एनी वन एनी सिंगल रुपी, आई एम टेलिंग यू कम्प्लीटली, वी आर डूइंग इट फ्रॉम आर ओन एफर्ट्स, एंड हम जो अर्निंग होगी लड़कों की, बच्चों की, लड़कियों की एरिया में, इट विल बी टू देम ओनली, वी आर नॉट गोइंग टू आस्क एनीथिंग एट सिंगल रुपी। फॉर एग्जाम्पल, हाइकिंग में लोग जाएंगे, वी वॉन्ट टू क्रिएट अ हाइकिंग इको सिस्टम इन दार्जिलिंग। लोग जब आए दार्जिलिंग, वो 7 पॉइंट के अलावा उनको पता होना चाहिए दार्जिलिंग में ये भी चीज़ें की जा सकती है। अगर वो हाइकिंग करने गए तो थकेंगे, हारेंगे, उनको अच्छा लगा अगले दिन में रहेंगे, दार्जिलिंग में जो 2 दिन का स्टे था मे बी उनका 4 दिन का स्टे बढ़ जाएगा। इससे आफ्टरऑल क्या होगा, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात होगी, कॉमन लोग जो है उनको पैसा ज़्यादा मिलेगा उनको, एंड विद इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हैप्पीनेस विल डेफिनेटली कम। तो दिस इज समथिंग एडवेंचर सर्किट के बारे में बोलना चाहता था। अपार्ट फ्रॉम दैट, वी ऑलरेडी नो रॉक क्लाइंबिंग है, बाकी चीज़ें हैं, अगेन फॉर दैट वी हैव फाउंडेड जो हम लोग तेंजिंग नॉर्गे के बेटे हैं जामिंग नॉर्गे, वो हमारे एडवाइजर हैं एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए। दिस इज ऑल द एक्सपर्ट्स हु हैव कम टुगेदर टू हेल्प अस इन अरेंजिंग दिस काइंड ऑफ फेस्टिवल सो दैट द बेस्ट आउट ऑफ एवरीथिंग कैन बी सॉर्ट आउट। अगेन वी हैव अ बर्ड वॉचिंग सर्किट, दार्जिलिंग में बर्ड वॉचिंग का बहुत बहुत स्कोप है, रोंगटोंग एरिया में, सिलखोला में, लाटपंचर में, सिंगालीला में, इस टाइप के बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे बर्ड वॉचिंग होती है, एंड दार्जिलिंग में बर्ड वॉचर्स आते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया से, बट देर इज नो फिक्स इको सिस्टम जहाँ पे पता हो लोगों को कहाँ रहना है, किन से बातें करनी है, क्या क्या ऑप्शन है, कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, लोगों को नहीं पता है। थ्रू दिस मेलोडी फेस्ट अगेन वी हैव आइडेंटिफाइड दोज बर्निंग हॉटस्पॉट्स, एंड अगेन हम लोगों ने वहाँ के लोकल यूथ्स को इन्वॉल्व किया इन चीज़ों में, ताकि लोग डायरेक्टली उनको कॉन्टैक्ट करेंगे और हम उन लोगों से कॉन्टैक्ट में हैं, तो टूरिस्ट को भी एक सेफ्टी सिक्योरिटी का फील रहेगा कि हमारे द्वारा वेरीफाइड किए लोग हैं वहाँ पे, एंड अगेन दे विल डेफिनेटली डायरेक्टली कॉन्टैक्ट दोज पीपल, वहाँ के बच्चे, वहाँ के यूथ जो है, एंड दे विल अरेंज द बर्ड वॉचिंग ट्रिप फॉर देम। इफ दे एंजॉय दिल कम द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो, इफ दे एंजॉय दिल कम इन टू द ऑफ सीजन ऑल्सो, जहाँ पे उनको ऑफ सीजन बर्ड मिलेगा उनको, इससे डेफिनेटली ऑफ सीजन टूरिज्म भी बढ़ेगा दार्जिलिंग में। अगेन इट विल लीड टू द एम्पावरमेंट ऑफ पीपल ऑफ दार्जिलिंग ओनली, दार्जिलिंग मीन्स द होल दार्जिलिंग, नॉट ओनली द टाउन एरिया, आई एम टेलिंग यू everything that comprises of the Darjeeling area।
तो इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे लोकल गाइड्स यूथ से बात किया है, वो लोग इसमें हम लोगों के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर ऑल्सो गोइंग टू हैव अ विलेज टूरिज्म काइंड ऑफ थिंग वेयर विद द हेल्प ऑफ GTA वी आर ट्राइंग टू सेट अप अ कल्चरल हेरिटेज विलेज इन सम पार्ट्स ऑफ दार्जिलिंग. अभी के लिए हमारा तीस्ता तकदा वैली में प्लान है, वहाँ पर लोग जा कर के लोकल कुजीन, लोकल फूड क्राफ्ट, वहाँ का लोकल एटमोसफियर, वहाँ का लोकल बाकी सारी जो चीज़ें हैं, सीनिक व्यू हैं, वो देख पाए. तो वी आर गोइंग टू सेट अप अ टूरिज्म विलेज काइंड ऑफ थिंग. ऑल दीज थिंग्स कैन बुक थ्रू ऑनलाइन मोड ऑल्सो और मे बी ऑफलाइन मोड ऑल्सो ओवर हेयर एंड पीपल कैन गो आफ्टर पार्टिसिपेटिंग इन द मेलोडी फेस्ट. वो वहाँ जाके इन्जॉय करिए एक दिन, वापस भी न्यूज आकर देख सकते हैं. दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू हैव. अपार्ट फ्रॉम दैट लास्ट ईयर ऑल्सो वी हैड कल्चरल एंड डेवलपमेंट बोर्ड्स विद दार्जिलिंग ट्राइबल बोर्ड्स. वी हैव those booths are setting up the food and other display of their ethnic and cultural diversity. Last year kiya gaya tha ye, and they had a very good business and they are very very supportive this year also. As a not a matlab citizen of Darjeeling, I come from Bihar and I did not know that Darjeeling has such a diverse food habit also. I got to know Chiang, what is Aila, what is Tongba through this festival itself. पीपल शुड नो दैट दार्जिलिंग मोमो के बियॉन्ड इन सब चीज़ों में भी जाता है. एंड हम लोगों को लास्ट ईयर दार्जिलिंग के डिफरेंट ट्राइबल फूड्स को एक्सपीरियंस करने का मौका मिला. एंड आई वाज सरप्राइज्ड टू सी ऑल दिस थिंग्स एंड वेरी आई वाज वेरी हैप्पी दैट आई गॉट टू नो एटलीस्ट दीज थिंग्स. एज अ टूरिस्ट आई हैड कम सम 5 years बैक इन दार्जिलिंग. आई डिड नॉट नो ऑल दिस थिंग्स अबाउट दार्जिलिंग, बट व्हेन आई गॉट टू नो ऑल दिस थिंग्स आई फेल्ट वेरी हैप्पी दैट दार्जिलिंग हैज सो मेनी थिंग्स टू ऑफर. अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर ऑल्सो गोइंग टू हैव अ शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल इन आर दिस टाइम. दार्जिलिंग में बहुत सारे बच्चे हैं जो छोटे छोटे शॉर्ट मूवीज बनाते हैं एंड दे नॉट गेट प्लेटफॉर्म टू शो केस देयर टैलेंट. तो दिस ईयर वी आर गोइंग टू हैव अ शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल एंड दैट विल बी इन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन मॉडल. सो वी आर येट टू अनाउंस द प्राइज, विल सून अनाउंस द प्राइज. उसमें हम लोग दार्जिलिंग के बच्चे जो हैं वो उनका मूवी का एंट्री देंगे. वी विल डिस्कस, वी विल विद द पैनल ऑफ जजेस द बेस्ट मूवी विल बी टेलीकास्ट ऑन चौरस्ता लास्ट डे ऑफ मेलोडी फेस्टिवल एंड दे विल गेट द प्राइज मनी ऑल्सो. सो दैट वी विल प्रमोट every cultural activity, everything that people of Darjeeling can think of. I am also open to any suggestions any public wants to give about this festival. Sir, please include this thing. I am very happy to include. For example, just now some hotelier came to me and he told me, sir, please include the heritage walk in your whole hiking things. And I really love the idea and I am going to use that idea and bring that into this Meloti festival. That's why I am telling you, this is the people of Darjeeling, unka festival hai. You come with any idea to me, if it is feasible, it is workable, we will definitely get into it and we'll do it. And again, we are not going to charge anyone any single rupee. I'm telling you, this is totally free of cost. All the events that I mentioned, you were the music event and all, they're all free of cost. Jitni bhi events all over India hote hain, they're all ticket based event. So again, these are all free events. Whoever is a music lover, please come and you will enjoy. Apart from that, we are also going to have a lot of photo exhibition, art exhibition, orange exhibition, these kind of things, small things. We will keep on updating you about all these things. Lastly, I would also like to mention ki music ke liye hum log yahan pe, since music lovers bahut hain, so then we have some good band performance also going to happen in Darjeeling after the events of the band competition happens. Mantra, then we will be having Kutumba, which is a Nepali fusion rock band from Nepal. Then we will be having About Us, which is coming from Nagaland. Then we will be having Girish and the Chronicle also on the final day coming. And on top of that, I would also like to, I am very happy to announce that just by the hearing the name of Darjeeling, a very famous band, Europe, everybody must be aware of that. Unka famous guitarist ki Marcel, he has also agreed to be a part of this musical fest. And he will be performing on the 18th, this year itself in the Meloti Fest. So you just cannot imagine with these kind of performance that is going to happen in Darjeeling, how much of tourism we are going to get in Darjeeling and how much of business people of Darjeeling are going to do and how much of empowerment people will be having. So basically, Meloti Fest ka idea hamara yahi tha. Please visit our website darjeelingmelotifestival.com. Wahan pe different cheeze hoti hain, hum update karte rehte hain. And Darjeeling ke Meloti Festival ke last din hum log jo hain wo marathon rakhne wale hain. Marathon would be on again 22nd and उसमें सबको पता है दार्जिलिंग मैराथन लास्ट 10-11 साल चल रहा है एंड इट हैज़ अ ह्यूज पार्टिसिपेशन एंड इट इज गोइंग टू इवन बिगर. एंड मैं मैराथन के थ्रू एग्जाम्पल को देना चाहता हूँ. 2013 में मैराथन स्टार्ट किया गया दार्जिलिंग पुलिस के द्वारा ही एंड दार्जिलिंग पुलिस के मैराथन में उस समय कुछ लड़के कुछ लड़कियाँ, आई हैव सम नेम, सरस्वती राय फॉर एग्जाम्पल एक
हैं लेडी, उन्होंने प्लेटफॉर्म पहला दार्जिलिंग मैराथन का यूज़ किया यहाँ पे. नाउ सी हैज बिकम इंटरनेशनल नेम, नेशनल नेम इन द मैराथन वर्ल्ड एंड सी इज फ्रॉम दार्जिलिंग. सी गॉट द प्लेटफॉर्म फ्रॉम द दार्जिलिंग हिल मैराथन. तो मैराथन अपने आप में फेमस है. नाउ आई वॉन्ट टू गिव द सेम प्लेटफॉर्म टू द पीपल ऑफ दार्जिलिंग एट द म्यूजिक फील्ड और द बर्ड वॉचिंग फील्ड और एडवेंचर फील्ड. दे कैन यूज दिस प्लेटफॉर्म टू गेन द रिनाउन देयर फेम ऑल थ्रू आउट इंडिया. So this is the whole thing I wanted to make about the Melody Fest. Thank you. Yo ho, SG News.